हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक टाइम पर पहुंचती रहे। सो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो डेफिनेटली आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये वीडियो तो मैंने अमेजोन से कुछ परचेज किया है ये स्ट्रेटनर कलर क्रिम्पर का 3-in-1 सेट जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत ही रिव्यूज देखे उसके बाद इसे परचेज किया। इसका फुल नेम है स्ट्रेटनर क्रिम्पर कलर कैरेटिन कोटेड प्लेट। सिर्फ इसमें एक खास बात ये है कि ये कैरेटिन कोटेड प्लेट के साथ है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हमारे बालों के लिए हेल्पफुल रहता है, जो हमारे बालों को डैमेज होने से बचाता है। तो चलिए फटाफट हम इसका रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या खामियां और क्या क्या खूबियां हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा दिखा देती हूँ किस तरीके का है ये। तो ये दिखाने से पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूं। अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की तो मुझे अमेजोन पे पड़ा ये 1650 रुपीज का, तो बहुत ही अच्छी डील है। इतना भी कुछ एक्सपेंसिव नहीं है एज पर 3-in-1 सेट आपको एक ही रॉड में प्रोवाइड हो रहा है। तो मैंने बाहर भी बहुत जगह इसके प्राइसेस पता करे, जो विदाउट कैरेटिन प्लेट है वो ही मुझे 1500 का पड़ रहा था। तो अगर आपको कैरेटिन प्लेट वाला 1500 to 1600 का मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी डील है, आप इस डील पे जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कैरेटिन, आप सभी को पता है कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है, और अगर हमको स्ट्रेटनर में ये कैरेटिन प्लेट प्रोवाइड हो जाए तो और क्या ही चाहिए हमें अपने बालों के लिए। तो चलिए फटाफट मैं आप सबको इसका रिव्यू करके दिखाती हूँ कि किस तरीके के ये बाल कर्ल और क्रिम्प करता है। तो चलिए फटाफट इसको यूज करते हैं, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट। क्रिम्पर के फंक्शन की बात करूं तो ये बहुत ही हैंडी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक कर्लर का सेट मिलता है, इस तरीके का कुछ ये रॉड है जो आपके बाल कर्ल करेगा। सेकेंड आपको मिलता है स्ट्रेटनर जो आपके बाल स्ट्रेटन करेगा, एंड थर्ड आपको मिलता है क्रिम्पर जो आपके बालों को बहुत अच्छा वेवी लुक देगा, क्रिम्प करेगा। तो ये तीनों सेट आपको एक ही सेट में मिल जाते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर आपको एक ही रॉड में मिल जाएगी तो हमें और क्या ही चाहिए। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही हैंडी है, यहाँ पे आप बालों को होल्ड कर सको, ये बिल्कुल भी हीट, इतनी दूर का एरिया इसका बिल्कुल भी हीट नहीं होता। ये बहुत ही स्मूथ है, कहीं से भी रफ एंड टफ नहीं है। आपको एक फंक्शन यहाँ पे मिलता है ऑन ऑफ का, यहाँ से आपका ऑन हो जाएगा आप देख रहे हो, और यहाँ से इसका ऑफ हो जाएगा बटन। और इसका थर्ड पॉइंट, ये फुल 360 डिग्री रोटेबल है, आप इसको किसी भी तरीके से, अब आपको झंझट नहीं होगी कि आपको यहाँ प्लग लगाना है, आपको इस तरफ प्लग लगाना है, आप कहीं भी प्लग इन करिए और किसी भी तरीके से इसे फोल्ड करिए, चाहे घुमाइए कहीं भी लिए, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। प्लस इसमें एक आपको हैंगिंग के लिए एक हैंगिंग होल भी दिया जाता है, आप इसको किसी भी तरीके से हैंग कर सकते हो अपने वॉल पे। तो मुझे ओवरऑल ये कर्लर स्ट्रेटर क्रिम्पर बहुत अच्छा लगा, हर एक चीज से बहुत अच्छा है। प्लस इसमें कोटीन, प्लस इसमें कैरेटिन प्लेट भी है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। यू ऑल नोज कि हमारे लिए कैरेटिन बहुत अच्छा है जो हमारे बालों को डैमेज होने से रोकता है। तो चलिए फटाफट हम इसका डेमो देखते हैं कि किस तरीके से कर्ल करता भी है या नहीं, आप सबको मैं फटाफट दिखाती हूँ। ऑन कर दिया है, तो यहां से मैंने अपने क्रिम्पर को ऑन कर दिया है। अब मुझे यहां से अपना, अब मैं सबसे पहले आपको अपने बाल कर्ल करके दिखाऊंगी। तो मैंने अपने तीनों रॉड को, अगर आपका ये पार्टीशन अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, ये दोनों तरफ से रॉड्स निकले हुए हैं। अगर मैं इसको दोनों तरफ से बाहर निकाल के रखूंगी तो मेरे तीनों रॉड्स खुल जाएंगे। देन मैं अगर तीनों को पुश करके एंड इस रॉड को बीचों बीच कर दूं, हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन, देन मेरा ये लॉक हो जाएगा अच्छे से। अब मैं इसको एज अ कर्लर यूज कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ ये पुश करना है और मेरा ये एज अ कर्लर यूज होगा। तो हम इसको हीट होने देते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको यूज करती हूँ। तो मेरी रॉड हो चुकी है गर्म, अब मैं आपको टच करके नहीं दिखा सकती, बिल्कुल गर्म हो चुकी है, अभी भी मेरा रॉड ऑन है। तो चलिए मैं अपने बाल को करती हूँ एक साइड पोर्शन में, देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज्यादा कर्ली हो रखे हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने आज ही बाल वॉश करे थे अपने। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको कर्ल दिखाई दे मेरे बालों का। तो मैंने इसे प्लेस किया, देन बहुत ही स्मूथ है, आप देख सकते हो एक ही टर्न में कितना अच्छे से स्ट्रेट हो गया ये देखिए, और बिल्कुल भी इसमें से हीट नहीं निकल रही है। किसी किसी स्ट्रेटनर को यूज करने पे उसमें से धुआं ये सब चीज निकलती है, इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और इसमें सबसे खास बात है कि ये ऑटो कट है, अगर आपका स्ट्रेटनर ज्यादा हीट हो जाएगा आपके बालों के अकॉर्डिंग तो वो ऑटोमेटिकली कट कर देगा पावर। तो ये देखिए कितने अच्छे से और बहुत ही स्मूथली आप खुद से अपने बाल कैसे स्ट्रेट कर सकते हो, आप इसे खुद कहीं भी ट्रैवलिंग पे भी लेके जा सकते हो। स्ट्रेट हो गया है, आपको दिख रहा हो ये वाले मेरे हेयर्स और ये वाले हेयर्स में कितना डिफरेंस है, बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं, बिल्कुल भी रफ एंड ड्राई नहीं लग रहे हैं कहीं से भी। तो ये था स्ट्रेटनर का इसका डेमो, आप लोगों को कैसा लग रहा है
और पूरा नीचे तक अच्छे से स्ट्रेट हुए हैं बाल। तो चलिए अब मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। मैंने लॉक कर दिया अपना, मेरा अभी भी ये तो अभी भी मेरा स्ट्रेटनर ऑन है। अब मैं कर्ल करती हूँ अपने बालों को से लेके मैं इसको निकाल देती हूँ। 102 सेकंड हो गए हैं और ये देखिए आप कितना प्यारा कर्ल हुआ है, बहुत ही अच्छा। आप इसको अच्छे से स्ट्रेटन कर सकते हो अपने बालों को, अच्छे से इस पे हेयर स्प्रे लगा के वगैरह सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। कर्ल भी काफी अच्छा हुआ है, ये देखिए काफी बाउंसी बाउंसी कर्ल हुआ है। तो अब मैं आपको क्रिम्प करके दिखाती हूँ। अगर आप ये अच्छे से, अगर आप अपने पूरे बालों में अच्छे से इसको कर्ल करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैं तो अभी आपको सिर्फ एक एक स्ट्रैंड कर करके दिखा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं अपने सारे बाल कर्ल करके दिखाऊंगी। तो आई होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा। तो चलिए अब मैं फटाफट क्रिम्प करके दिखाती हूँ अपने बालों को। अब मैंने अपने कर्ल कर खोल लिए हैं, देखिए कर्ल खोलने के बाद भी कितना वेवी लुक आ रहा है अच्छा सा। तो अब मैंने अपना क्रिम्पर खोल लिया है, ये देखिए ये क्रिम्पर का साइड है। अब मैं अपने बालों को क्रिम्प करूंगी, देखिए अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो। आप घर पर ही कितने अच्छे से अपने बालों को स्टाइल कर सकते हो। मैं आपको पास में आके दिखा रही हूं, ये देखिए ये इसका क्रिम्पर है। मुझे क्रिम्पर पर्सनली, अब मैं इसको कर रही हूं बंद ऑफ। मैंने आपको इसके डूज एंड डोंट्स होगा, आई होप आप लोगों को इसका रिव्यू अच्छा लगा होगा। आप इसका क्रिम्प देखिए कितना प्यारा आया है। पर्सनली क्रिम्प करना और स्ट्रेट करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये सेट मंगाया ताकि मैं इसको एज अ ट्रैवलिंग पर्पज से भी कहीं भी लेके जा सकूं। मुझे भी दिक्कत परेशानी ना हो कि मुझे दो चार चीजें कैरी करनी पड़ रही है मैं एक ही के अंदर। कर्ल मैं इतना नहीं करती अपने बालों को, मैं ज्यादातर स्ट्रेट या क्रिम्प ही करती हूँ अपने बालों को। तो क्रिम्प तो आप ही देख सकते हो, बहुत ही सुंदर आया, बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर। तो होप आप लोगों को मेरा ये स्ट्रेटनर, क्रिम्पर और कर्लर का रिव्यू अच्छा लगा हो। और आप भी जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, आप जाके चेकआउट करिए और जिस जिसको इसको परचेज करना है जल्दी जाइए और परचेज करिए। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो प्रोडक्ट का। ऐसे ही आपको फर्दर रिव्यू वीडियोस चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सबके लिए जरूर ऐसे रिव्यू वीडियोस जरूर लेकर आऊंगी। तो मेरे साथ मेरे ब्लॉग प्लस वीडियोस में बने रहिएगा ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स प्लस अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे आप सभी को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।